सब नू सत श्री अकाल जी, सब का स्वागत है जी चैनल पाई ठीकर लाइव से। अज आप जी नू तन तन श्री गुरु रामदास साहब जी की पवित्र नगरी सचखंड श्री हरिमंदर साहब सचखंड श्री दरबार साहब की एक अनोखी घटना दसांगे, जिसनू सुन के तुहानू बहुत ही ज़्यादा भरोसा होएगा अपने गुरु साहब ते, अपने गुरु प्यारे दे सरोवरां ते। ते ओ लोग भी ध्यान नाल सुन लैण जिहड़े गुरु घर दे पवित्र जल दे उपर किंतु परंतु करदे ने। एक बड़ी ही अनोखी घटना नारवे दे एक नौजवान नाल 2 महीने पहले ही वापरी है। जदों ओ सचखंड श्री हरिमंदर साहब घूमन आया, माइकल निशान नॉर्वे का रहन वाला एक फोटोग्राफर सी। 29 साल माइकल निशान एक वधिया फोटोग्राफर है ते नॉर्वे दे विच उसका काफ़ी नाम है। दस्या जांदा कि काफ़ी समय तो उसके पेट विच दर्द हुंदा सी। पहला पहल उसने इसनू इग्नोर किया ते फिर एक दिन ज़्यादा दर्द होने करके उसके परिवार ने उसनू हस्पताल विच दाखिल करवाया, जिथे वो कुछ दिन बाद ठीक तो हो गया पर कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी सी, क्योंकि डॉक्टर ने शक के आधार पर वो टेस्ट किए सन। माइकल निशान दसते हैं कि अज तो 2 साल पहला उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम वेख्या सी जिसका नाम सी रवेल गोल्डन टैंपल। कुछ दिन बाद उन्हां अंदर खिच बनी कि वह उस थां ते जाणगे जरूर अते फोटोग्राफी भी करनगे। सो बहुत समय तो वह प्लैन बना रहा सी पर किसी ना किसी कारण करके टल जाता। हुण प्लैन बना के वह इंडिया निकल आया, सीधा सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँचया। उत्थे एक लोकल इंग्लिश गाइड संदीप दे नाल दरबार साहब घूमना शुरू किया। माइकल सिख संगतां दीआं दस्तारां वेख वेख के बहुत खुश होई जावे। उन्हां कहा कि पहला कदी भी उन्होंने इस तरह का ट्रेडिशन नहीं वेख्या सी, इन्नियां सारियां दस्तारां वेख वह बड़ा खुश हो रहा सी। आप भी सिर ढक के अंदर जाण लई तैयार सी ते जिवें ही पौड़ियां टप के अंदर गया वह सामने दे दृश्य वेख के बहुत हैरान हो गया अते अपने आप ही गुरु रामदास जी की शोभा उसके मूहों निकल आई। सरोवर नू वेख, इशनान करदियां संगतां नू वेख, उसने समझिया कि शायद कोई स्विमिंग पूल होना है। गाइड नू पुछदा है कि गौड़ दे घर विच स्विमिंग पूल क्यों है, तां संदीप ने आख्या कि यह कोई नहाउण वाली जगह नहीं है, यह सारा जल एक अमृत की तरह है। अमृत सुन के वह बड़ा ही हैरान होया कि यह अमृत किवें हो सकता है। संदीप ने उसनू दस्या कि इत्थे हर वेले बाणी का प्रवाह चलता रहिंदा है, इस करके इस सरोवर का पानी अमृत बन जाता है। इस विच इशनान करन नाल अते इसनू पीन नाल दर्द दूर हो जाते हैं। इन्हां गल्लां ते उसनू तां यकीन नहीं सी पर ध्यान दे नाल सुन जरूर रहा सी अते कहन लग्या कि अच्छा फिर मेरे पेट विच भी दर्द हुंदा रहिंदा है, जेकर मैं पी लवां कि मैं भी ठीक हो जावांगा। संदीप ने आख्या कि तुसीं ट्राई तां कर ही सकदे हो। अमृत का चूला लेके दर्शना दे लई अंदर चले गए। सारा कुछ वेख के वह बहुत ही इंट्रस्ट ले रहा सी। कोई समा वह रागियां नू कीर्तन करदा वेखदा रहा अते पुछ रहा सी ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਫਿਰ ਲਿਆ। 2ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
कैंसर वर्गी भयानक बीमारी है अते ओ बहुत वध चुकी है। जल्दी तो जल्दी इलाज लिए उसनू उत्थे बुलाया गया। माइकल ने संदीप नू दस्या कि जदों इस बीमारी का उसनू पता लग्या तां उसने जिवें प्रतीत होया कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी होवे, पर उसने कहा कि हुण तां मैनू पेट विच कोई दर्द ही नहीं है। पर डॉक्टरां ने इलाज शुरू कर दिता। दो दिन बाद दोबारा टैसट करवाए गए। माइकल दसदा है कि उसनू संदीप की वह गल याद रही कि वह अमृत पीने नाल दुख दर्द दूर हो जाते हैं ते मेरा क्यों नहीं हो सकता। रिपोर्ट आने ते डॉक्टर नू कोई समझ नहीं सी आ रहा ते ना ही उसनू कुछ पता लग रहा सी कि उसकी बीमारी इन्नी घातक सी ते रिपोर्टां विच 1% भी उसकी बीमारी नहीं आई। ते उसनू तसली लई उसने फिर दोबारा टैसट किए पर फिर भी दोबारा रिपोर्टां विच कुछ नहीं आया। माइकल नू उस दिन यकीन हो गया सी कि मेरा दुख इस अमृत नाल ही ठीक किया जा सकिया। माइकल ने संदीप नू दस्या कि पहले दिन उसके पेट विच बहुत दर्द सी ते संदीप दे कहण ते उसने वह अमृत का चूला लिया सी जिस नाल उसकी तकलीफ घट गई सी। अपनी तसली लई वह दो दिन उत्थे इशनान करदा रहा अते चूला पींदा रहा ते वापस जाण तक उसका दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका सी ते हुण रिपोर्टां वेख के उसनू बिल्कुल यकीन हो गया सी कि यह सब सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी की मेहर के सदका ही होया है। डॉक्टरां कोल इसका कोई जवाब नहीं है। माइकल की जल्द ही एक वीडियो सामने आएगी जिस विच उह सारी गल दसेगा। कुछ समय तक वह दरबार साहब भी आएगा अपने परिवार समेत। उसके परिवार विच एक शरदा बन चुकी है जिथे उन्होंने पुत्र की जान बख्शी गई सी। सो धन है मेरे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का वह दर वह दरबार। तो प्यारे हो जे तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी होवे किरपा करके इसनूं शेयर जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।